बेंगलुरु में बारिश एक बार फिर से आफत बनकर आई है। बुधवार को यहाँ हुई जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं, निचले इलाकों में पानी भर गया है। मैजेस्टिक के पास दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मौसम विभाग ने शहर में भारी बारिश की आशंका जताते हुए अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दीवार गिरने से सड़क पर खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। निचले इलाकों से जल भराव की तस्वीरें सामने आई। बेसमेंट पार्किंग में भी पानी भर गया है। जगह जगह जल जमाव के चलते ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु के उत्तरी हिस्से राजा महल गुट्टाहल्ली में करीब 59 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि बेंगलुरु में पिछले महीने भी 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई थी, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। शहर के रिहायशी इलाकों में जगह जगह सड़कें जाम हो गईं, कई इलाकों में पानी और बिजली की लाइनें टूट गईं। बेंगलुरु के लोगों ने ऐसी बारिश दशकों बाद देखी है।